आरक्षण की आग में पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र जल रहा है। लड़ाई मराठा समुदाय और ओबीसी वर्ग के बीच देखी जा रही है। इन सबको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन इस समस्या का हल होते दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मराठा समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उसे 10% आरक्षण दिया गया है। इस समुदाय की आबादी प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सरकार के इस कदम के बाद भी मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर भड़की ये चिंगारी अलग अलग समुदायों के बीच दरार की वजह बन गई है, जो राज्य के गांव-गांव तक फैलती जा रही है। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ओबीसी के कोटे से आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि पहले अलग आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि आरक्षण की सीमा को किसी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो अब मराठा समुदाय ने ओबीसी के कोटे से आरक्षण की मांग खड़ी कर दी है, जिसके बाद से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में कुल 33% मराठा आबादी है, जिसे देखते हुए आरक्षण की परसेंटेज बढ़ाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले 2014 और 2018 में भी मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया था, लेकिन ये आरक्षण अदालत में टिक नहीं पाया। इसके बाद मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग होने लगी। अब इनसे मिलिए, ये है मनोज जरांगे, जो मराठा समुदाय से आते हैं और इस वक्त मराठा आरक्षण आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। मनोज जरांगे ने अपने समुदाय के लिए कुनबी जाति के सर्टिफिकेट की मांग की है। मराठों को कुनबी जाति में शामिल करने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जाति ओबीसी में आती है। अब मराठों की इस मांग को लेकर सरकार ने प्रयास किया तो इससे ओबीसी समुदाय में असंतोष फैल गया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में मराठा और ओबीसी समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां भी इस संघर्ष की आग पहुंचने लगी है। इस आग का सीधा सा असर आगामी चुनावों में भी पड़ सकता है। मराठा और ओबीसी समाज के बीच ये विभाजन की लकीर कितनी गहरी होती जा रही है, ये पता करने के लिए हमने जानकारियां जुटानी शुरू की। शहर से लेकर गांव तक दौरा किया, हालात का जायजा लिया तो पता चला कि अब गांव में रहने वाले लोगों का नजरिया एक दूसरे को लेकर बदल रहा है। गांव में जो लोग पहले साथ मिलकर चाय पीते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे के साथ हर माहौल में शामिल होते थे, वो सब अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दूसरे के प्रति गांव में रहने वाले मराठा और ओबीसी वर्ग के लोगों के मन में दरार पड़ चुकी है। उनका मानना है कि राजनीति ने उन्हें अलग कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। राज्य के कुछ गांव में मराठा आबादी ज्यादा है तो कुछ में ओबीसी की आबादी ज्यादा है। हालांकि मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद मराठा समुदाय ने जाति प्रमाण पत्र लेकर खुद को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की मांग तेज कर दी है, तो वहीं ओबीसी समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है इससे उनका आरक्षण प्रभावित होगा और इसी बात के खिलाफ अब ओबीसी समाज के लोग भी सड़कों पर हैं। खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारे तक हलचल मची हुई है। एक तरफ ओबीसी समुदाय के लोग हैं जो अपने हिस्से का आरक्षण मराठाओं को नहीं देना चाहते, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा समाज का कहना है कि भले ही हमें ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमें आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। फिलहाल ओबीसी में 450 जातियां हैं और अब मराठा समुदाय को भी शामिल करने के बाद यहां कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसा करने से मराठा समुदाय को कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला। इस समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि जातियों के बीच गुटबाजी जमीनी स्तर पर नहीं है। मराठा समुदाय पहले से ही परेशान और गुस्से में है, उन्हें ओबीसी समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है। अराजकता फैलाना नेताओं की रणनीति है, वो लोग ये नाम और प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं। उनके मुताबिक दोनों समुदायों की स्थिति एक सी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ही केवल एक मुद्दा नहीं था, कई सालों से दूसरे जाति समूह भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज मराठा आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरक्षण की आक्रामक मांग ने कई दूसरे मुद्दों को भी हवा दे दी है, जो पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नया जाति आधारित संघर्ष शुरू हो गया है। फेमस थिंकर और राइटर डॉक्टर राव साहब कस्बे के मुताबिक जाति आधारित सामाजिक संघर्ष महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है।
उनके मुताबिक ये एक निष्क्रिय जातीय संघर्ष है जो हर समुदायों के मन में पनप रहा है। बीते कुछ सालों में आरक्षण से कुछ खास समुदायों को मिले फायदे से आपसी लोगों में बैर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये संघर्ष अब सड़कों पर नजर आ रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले प्रवीण गायकवाड़ कहते हैं कि मराठों और ओबीसी के बीच संघर्ष का मौजूदा स्वरूप जो अब गांव-गांव से सामने आ रहा है, ये उस समय नहीं था जब मराठा आरक्षण की मांग शुरू हुई थी, लेकिन ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के चलते संघर्ष भी तेज हो गया है। गायकवाड़ कहते हैं कि 2014 से पहले ओबीसी समुदाय के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी। मराठा क्रांति मोर्चा के दौरान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस बार रैलियों में मराठा समुदाय और ओबीसी समुदाय के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, दोस्त बढ़ गए हैं। आरक्षण के कारण पैदा हुआ विभाजन अब घर तक पहुंच गया है। लोगों में हमारे अधिकारों और हमारे विशेषाधिकारों पर किसी के अतिक्रमण किए जाने की भावना पैदा हो गई है और इसका असर जाहिर तौर पर चुनाव में नजर आएगा। इस आंदोलन से पैदा हुए आक्रोश का चुनाव पर कितना असर होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जनसंख्या के नजरिए से सबसे बड़ा होने की वजह से मराठा समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाएं जरूर हैं। हालांकि वोटर्स को लुभाने के लिए मराठा आरक्षण का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की एक आम रणनीति रही है। प्रवीण गायकवाड़ के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए नारायण राणे समिति का गठन कर मराठों को 16% आरक्षण दिया था। बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन मराठा आरक्षण मुद्दे का राजनीतिक तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फडणवीस के कार्यकाल में आरक्षण देने के बाद भी जब मराठा क्रांति मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव था, बाद के चुनाव में बीजेपी के सीटों की संख्या गिरती दिखाई दी। गायकवाड़ बताते हैं कि मराठा समुदाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों में बटा हुआ है और इसी वजह से एकजुटता दिखाना मुश्किल हो गया है। मराठा समुदाय के नेता कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस और यहां तक कि वंचित बहुजन विकास आघाड़ी में भी मौजूद हैं। ये समुदाय सभी राजनीतिक गुटों में अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट नहीं है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ओबीसी समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से खुद को राजनीतिक रूप से संगठित कर लिया है। आरक्षण के लिए जारी संघर्ष ने उनकी एकता को मजबूत किया है। खासकर मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद महाराष्ट्र और उत्तर भारत की राजनीति में ओबीसी समुदाय बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाता है। इसलिए ताजा हालात इशारा करते हैं कि अगर ओबीसी समुदाय इसी तरह से संगठित होता रहा तो इसका चुनाव परिणामों पर बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें, आरक्षण की लड़ाई महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा और ओबीसी के बीच नहीं है। इनको देखकर दूसरे समुदाय भी आरक्षण की वकालत करते हैं। उन्हें भी अलग अलग तरीके से राजनीतिक समर्थन हासिल है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो जातिगत संघर्ष पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण स्तर पर दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, जहां जातियों की विभाजन रेखा व्यापक होती जा रही है। भारत में हर जगह यही हालात बनते जा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो इसी जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। डॉक्टर राव साहब कस्बे कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि आजादी के बाद के 75 साल बाद भी देश में ऐसे समुदाय हैं जिन्हें सत्ता से लाभ नहीं मिला है। इसका मतलब है आरक्षण की वजह से कुछ छोटे समुदायों को पर्याप्त अवसर मिला है, जबकि बड़े समुदाय उपेक्षित ही रहे हैं। डॉक्टर राव साहब के मुताबिक हमारे देश में समय के साथ विभिन्न जातियों से नए वर्ग उभरे हैं। ये नए वर्ग अपनी जाति से उभरते हैं और राजनीतिक सत्ता की आकांक्षा रखते हैं। इसके लिए वो अपने समुदाय को मजबूत करते हैं और सत्ता में रहने वाले किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस दौर में जातिगत पहचान को ये मानते हुए तेज किया गया है कि खोए हुए अवसरों को पाने का तरीका आरक्षण है। ये ध्रुवीकरण तब हुआ है जब जाति समूहों ने खुद को राजनीतिक दलों में संगठित किया है। गांव के स्तर पर ये प्रक्रिया और तेजी से हो रही है। मंडल कमंडल राजनीति की वो ऐतिहासिक फॉल्ट लाइन एक बार फिर चौड़ी होने जा रही है। अगर इस चुनाव में ये और भी बड़ी और गहरी हो गई तो चुनाव के बाद रोजमर्रा के जीवन में इसके परिणामों से कैसे बचा जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है।
तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।